हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ब्लॉग अब्रॉड चैनल पर मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। और शारजा में आज इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है कि ना हम लोगों को पुलिस की तरफ से नोटिफिकेशन आया था। वो नोटिफिकेशन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, काश रिकॉर्ड कर पाती कि बाहर मत निकलिए इस टाइप का। और देखिए हमारी बालकनी में भी कितना पानी आ गया है। और मैं आपको रोड के हालात भी दिखाती हूँ। ये साइड में ना बहुत पानी भरा हुआ है, हो सके तो आप लोग देख पा रहे होंगे। पूरी बालकनी में हमारा पानी भर गया। और इतनी हवा चली कि ये पत्तियाँ धूल ये सब भी आई हुई है। इतनी ठंड में भी मतलब पक्षी पानी पीते पीने के लिए आते हैं। मेरे को विक्की बोल भी रहे थे इतनी ठंड में मतलब कैसे इन लोग, बारिश भी हो रही है फिर भी पानी पी रहे आ रहे हैं। मतलब दाना पानी सबको सब टाइम चाहिए। आज मैं लौकी का कोफ्ता बना रही हूँ, तो ऐसे लौकी मैंने श्रेड करके रख लिए। इसमें डाल रही हूँ मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्ची और ज़ीरा कूट कर डालने से अलग टेस्ट आता है और उसका पेस्ट डालने से अलग। तो मैं कूट कर डाल रही हूँ। इसके अलावा अजवाइन डाल रही हूँ, हल्दी, थोड़ा सा रेड चिली, थोड़ा सा धनिया का पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी, बेसन। बेसन मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, सिर्फ इतना डालूंगी कि वो आपस में मतलब बाइंड हो सके। मतलब जब हम उसका पकौड़ा बनाने की कोशिश करें तो वो कढ़ाई में जाकर फैल ना जाए। और नमक डालेंगे। नमक का अगर आपको इसमें अंदाज़ा नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपका जैसे पकौड़े आप बन जाएंगे जब आप टेस्ट कर सकते हैं ना। तो अगर आपको लगेगा पकौड़ों में नमक कम है तो आप करी में थोड़ा सा नमक डाल देंगे ज़्यादा, तो वह एडजस्ट हो जाएगा। और इसमें पानी नहीं डालेंगे, बस ऐसे ही इसको गूंद लेंगे इस तरीके से। और कई लोग लौकी का भी पानी निकाल देते हैं बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है उससे पूरे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप पानी ना ही निकालें। वैसे इतने बेसन में भी बन जाएगा हमारा कोफ्ता, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा बेसन और डालूंगी। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और उसमें डाल रही हूँ तेल गरम होने के लिए, ताकि कोफ्ता तलने के लिए तेल गरम हो जाए। ज़्यादातर लोग कोफ्ते जो है राउंड शेप के बनाते हैं, पर मैं आज थोड़े ऐसे लंबे शेप के कोफ्ते बनाऊंगी इस तरीके के, क्योंकि राउंड तो हर कोई बनाता है ना, तो शेप में भी कुछ तो भी चेंज होना चाहिए। इसलिए बैकग्राउंड में आप एक छोटी सी काली मटकी देख रहे हैं ना, वो छत्तीसगढ़ में कई लोग उसमें खाना बनाते हैं। मैं भी वो दाल बनाने के लिए ही लेकर आई। आज मैंने इतना ज़्यादा काम किया है, ज़्यादा इन द सेंस छुट्टी के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि एक्स्ट्रा के काम मतलब ना निकालूँ। तो आज मैंने घी भी निकाला, तो घी का ये बर्तन है। फिर गाजर का हलवा भी बनाया। अब ठंड है और गाजर का हलवा घर पर ना बने तो वो कैसे हो सकता है, तो गाजर का हलवा भी बनाया। और हाँ, एक ये बात हुई कि आज मुझे ब्रेकफास्ट नहीं बनाना पड़ा। मंजू है ना मेरी फ्रेंड, आपने पहले मेरे वीडियो में भी देखा होगा, वो मेरे लिए इडली और सांभर लेकर आई थी आज ब्रेकफास्ट के लिए, तो मैंने आज वो ब्रेकफास्ट में खाया था। तो तेल गरम होता है फिर हम कोफ्ते तलते हैं। आई थिंक तेल गरम हो ही गया, देख लेते हैं। तो अब तेल का आँच मैं कम कर देती हूँ और इसमें
ये कोफ्ते डालना शुरू करती हूँ। ये कोफ्तों का ना एक और यूज है, आप जैसे एक कोफ्ता बॉल्स बना के रख लीजिए और इसको फ्रीज कर लीजिए, तो जैसे आपको कभी भी, जैसे आप जॉब करते हो या ऐसा होता है ना कि गेस्ट आने वाले हैं, तो अपन सारे काम एक साथ नहीं कर सकते लेकिन ज्यादा चीजें बनानी है। इंडिया में तो और भी हो जाता है ना, गेस्ट आने वाले, तो और ज्यादा से ज्यादा वेराइटी बनाओ। तो आप अगर इसको डीप फ्रीज करके रखेंगे तो आप गेस्ट आने पर ये तुरंत ही बना सकते हैं। लाइक करी बनाइए, इसको डिफ्रॉस्ट कर लीजिए और करी में डाल लीजिए। अच्छा आइडिया है, यह आइडिया मुझे भी आज ही आया, तो मैंने भी सोचा अगर ये ज़्यादा बन जाएंगे ना कोफ्ते तो मैं इसको फ्रीज करके रख लूँगी, तो इसी वीक के अंदर एक बार और बना लूँगी सब्जी, क्योंकि कोफ्ता तो ऐसी चीज़ है ना बाहर एकदम जल्दी जल्दी नहीं बनती है। वैसे मैं ज़्यादातर चीज़ें फ्रीज करने के हक में नहीं रहती, पर यह आइडिया अच्छा था। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि कोफ्ते का शेप, और जल्दी जल्दी बनाकर डाल रही हूँ ताकि फ्राई होना स्टार्ट हो जाए। ये कोफ्ता फ्राई हो रहे हैं और ये मेरा गाजर का हलवा बनकर रेडी हो चुका है। जैसे आपको अगर इसको फ्रीज करके रखना है ना, तो आप इस स्टेज पे ये निकाल लीजिए और इसको फ्रीज कर लीजिए, और जब आपने दोबारा कोफ्ता बनाना है तो उसको निकाल के, जैसे अपन फ्राइज तलते ना वैसे, थोड़ा उसको फ्राई करके गरम कर लीजिए और करी में डाल दीजिए। तो मतलब स्टोर भी कर सकते हैं आप ये चीज़, और मतलब मेरे कहने का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं बार बार मतलब कर रही हूँ। तो ठीक है, अब मेरे को तो ये अभी सब्जी बनाना है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा, जितना मुझे ज़रूरत है उतना करीब फ्राई कर रही हूँ। मैंने बना लिया है लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट, और मैं इसके बाद, इस प्यूरी के बाद मैं बनाऊंगी टमाटर और हरी मिर्च। ये मिर्च मैंने फर्स्ट टाइम देखी, ये ना श्रीलंका की मिर्ची है, इसका ना टेस्ट इतना अच्छा रहता है और इतनी तीखी रहती है मिर्च, इसलिए इतनी सारी सब्जी में मैं सिर्फ एक ही ये मिर्च डाल रही हूँ। और मैं सब्जी एक्स्ट्रा इसलिए भी बना रही हूँ, मैंने सोचा मंजू ने सुबह मुझे इडली सांभर ला के दिया ना, तो उसके लिए भी स्पेशल कुछ होना चाहिए, और मौसम अभी इतना अच्छा है बाहर बारिश का, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया ही, तो इस मौसम में थोड़ा स्पाइसी खाने का मन भी करता है ना, तो मैं कोफ्ता की सब्जी बनाकर उसको भी दूंगी। तो चलिए बघार लगा लेते हैं। बघार लगाते वक्त चिमनी ज़रूर मैं चालू करती हूँ, तो वो मैं चिमनी ही चालू करी थी। अभी मैंने गर्म तेल में डाल दिया है ज़ीरा, और प्याज अदरक और लहसुन का जो मैंने पेस्ट बनाया है, प्यूरी बनाई है, वो डाल रही हूँ अब मैं कढ़ाई में। मैं कई लोग ऐसा भी करते हैं कि टमाटर भी साथ में पीस लेते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अदरक लहसुन और प्याज पहले पीस कर उसको ज़्यादा सेक लेने से ग्रेवी का टेस्ट और भी अच्छा आता है। और क्योंकि चिमनी चालू थी तो मेरी आवाज़ सही से नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया। और इसके बाद अब मैं टमाटर की प्यूरी बना रही हूँ। टमाटर की प्यूरी मतलब टमाटर बड़ा था ना, तो पहले थोड़े टमाटर पीस लिए मैंने, और फिर थोड़ा और टमाटर मतलब पूरा डाल के अब फाइनल मैं पीस रही हूँ। और इसमें मैं डाल रही हूँ, हरी मिर्च भी डाल दिए मैंने पीसते वक्त। और मुझे ना हर बार यही लगता है कि टमाटर मतलब ये होता है ना, ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है तो फिर उछल जाता है कई बार प्यूरी। बस फिर मिक्सी का काम हो गया था तो मिक्सी रख दिए मैंने उसकी जगह पर। मेरा काउंटर थोड़ा छोटा है तो मुझे काम जैसे जैसे होता जाता है जल्दी जल्दी वहाँ से चीज़ें हटानी भी पड़ती है, नहीं तो बहुत क्लटर हो जाता है। ये प्याज बहुत अच्छे से लाइक सिक गई है, फिर भी पूरी नहीं सिकी है लेकिन आधे से ज़्यादा सिक गई, तो इस स्टेज पे मैं इसमें टमाटर का प्यूरी डाल दूँगी। ऐसे कई लोग टमाटर और प्याज का साथ में भी कर लेते प्यूरी। तो बस टमाटर की प्यूरी डालने के बाद भी इसको और बहुत अच्छे से काफ़ी देर तक सेकेंगे, जब तक पूरा मसाला सिक ना जाए। मैंने आप लोगों को बोला था ना मैंने आज घी भी बनाया, तो ना इस बर्तन में मैंने घी बनाया था, तो मेरे मम्मी क्या करते हैं,
मेरे मम्मी क्या करते हैं, जब भी घी बनाते हैं ना तो उस कढ़ाई में ना, क्योंकि बहुत छप जाती है ना वो, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बेरी बोलते हैं वो जो मक्खन को गर्म करने से निकलता है, उसको उसकी वजह से बहुत छप जाती है, तो उसको ना पानी अच्छे से उबाल लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जिस बर्तन में घी बनाती हूँ उसमें पानी डालती हूँ बहुत सारा, और थोड़ा साबुन पाउडर भी डाल देती हूँ। उससे ना मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है खुद से ही, मतलब जो चिपका भी रहता है ना बर्तन में तो वो भी निकल जाता है। और ये सब्जी का मसाला सिक गया है, नमक इसमें मैंने सेकते वक्त ही डाल दिया था, तो बाकी के ड्राई मसाले डालते हैं ताकि जो टमाटर डाले हैं उसकी वजह से जो पानी हुआ है वो भी जल्दी सूखे और हमारा ग्रेवी तैयार हो। मिर्ची डाल दी है मैंने, हल्दी और धनिया का पाउडर, और ये जो साइड में आप पानी गर्म होने देख रहे हैं ना, ये सब्जी में मैं डालूंगी, इसलिए मैं उसको पहले ही उसको गर्म कर रही हूँ। तो इसको अभी और सेकते हैं, फिर मैं आपको सब्जी का फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। ये ग्रेवी का मसाला हमारा अच्छे से सिक गया है, तो इसमें जो अभी हमने पानी गर्म करके रखा है ना वो डाल देंगे, और पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि कोफ्ते पानी सोख लेते हैं, तो फिर ग्रेवी ना बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है। बस अब इसको अच्छे से बॉईल करने देंगे और उसके बाद इसमें फिर कोफ्ते डाल देंगे। ये करी बहुत अच्छे से हमारी उबल गई है, तो अब इसमें हम डाल देंगे हमारे बनाए हुए कोफ्ते, और गैस का फ्लेम कर देंगे बंद, वरना ये ओवर कुक हो जाएंगे, और लास्ट में डाल देंगे धनिया की पत्तियाँ। ये है हमारे लौकी के कोफ्तों की फाइनल लुक। ये मैंने मंजू के लिए पैक किया है, तो ये लेकर चलते हैं उसको देने के लिए। आशा करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मा सलामा।